हाय, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। मैं हूं डॉक्टर विशाल। आज हम बात करेंगे लैप्रोस्कोपिक हिस्टरेक्टमी ऑपरेशन के बारे में। एज अ जनरल सर्जन हम कई बार लैप्रोस्कोपिक हिस्टरेक्टमी में असिस्ट करते हैं एंड कई बार सर्जरीज देखी जाती हैं, करी जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि इस सर्जरी की रिकवरी के बारे में आपको बताना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं जिनके आंसर उनको नहीं मिल पाते हैं। एंड आई थॉट कि एक वीडियो में मैं सारी चीज़ें एक साथ समराइज़ कर दूँ तो आपकी रिकवरी में आपको काफ़ी मदद होगी। तो लैप्रोस्कोपिक हिस्टरेक्टमी वो ऑपरेशन है जिसमें किसी फीमेल का यूट्रस निकाला जाता है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के द्वारा। तो इसकी डिटेल्स में मैं इस वीडियो में नहीं जाऊंगा। जहां तक रिकवरी की बात आती है, हम बात शुरू करेंगे आपके ऑपरेशन होने के बाद से। एंड हम एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाएंगे कि फॉर एग्जांपल आपका ऑपरेशन अब हो गया है तो कौन कौन सी चीज़ों का आप ध्यान रखना शुरू करेंगे। तो जैसे ही आपका ऑपरेशन हो जाएगा, आप अपने बेड में हैं, आप आईसीयू में हैं, वार्ड में हैं, जहाँ पर भी हैं आप लेटे हुए हैं, आपका एनेस्थीसिया धीरे धीरे उतरेगा। जैसे वो उतरेगा आप धीरे धीरे अलर्ट होते जाओगे एंड सबसे पहले क्वेश्चन आने शुरू होंगे कि हम कब खा सकते हैं, कब पानी पी सकते हैं एंड हमारी एक्टिविटीज़ वगैरह, वॉशरूम जाना कब शुरू हो सकता है। तो जनरली एनेस्थीसिया उतरने के कुछ समय बाद, यानी कि 24 आवर्स आप कह सकते हैं, वेट एंड वॉच कर सकते हैं। जनरली डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं 24 आवर्स। उसके बाद आपकी लिक्विड डाइट शुरू हो जाती है, यानी कि शुरुआत होती है पानी से, उसके बाद नारियल पानी, उसके बाद चाय, बिस्किट वगैरह। मैं पर्सनली चाय एडवाइस नहीं करता हूँ बिकॉज उससे काफ़ी एसिडिटी होती है, कॉफ़ी से काफ़ी एसिडिटी होती है, बिस्किट मैदे का होता है, अगेन काफ़ी एसिडिटी होती है। तो बिकॉज आपको ऑलरेडी काफ़ी दवाइयाँ दी जा रही हैं, पेन किलर मेडिकेशन, एंटीबायोटिक वगैरह वगैरह, तो हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी ऐसी चीज़ खाएं जिससे कि एसिडिटी बढ़ जाए। तो फ्रूट जूस इज़ अ सेफर ऑप्शन, कोकोनट वाटर इज़ अ सेफर ऑप्शन, दाल का पानी वगैरह इज़ अ सेफर ऑप्शन। तो विद इन 24 आवर्स आपकी लिक्विड डाइट शुरू हो जाएगी, और एक 24 आवर्स जाने दीजिए तो आपकी सॉफ्ट डाइट भी शुरू हो जाएगी, यानी कि 48 आवर्स के अराउंड आपकी सॉफ्ट डाइट शुरू हो जानी चाहिए। जहाँ तक आपके चलने फिरने की बात आती है, शुरुआत में हो सकता है आपको काफ़ी पेन हो तो आप बेड से उठ ना पाओ, बट 24 टू 48 आवर्स के बाद में आप बेड से उठ पाओगे, चल पाओगे एंड आप अपने आप वॉशरूम जा पाओगे। तब तक आपकी जो ड्रेसिंग है वो भी निकलने के ट्रेंड में होगी, यानी कि निकलने वाली होगी, जो पैक वगैरह रखा होगा वो अब निकलने वाला होगा। एंड इस तरीके से आप अपने धीरे धीरे डेली रूटीन में वापस आना शुरू करोगे। जहाँ तक ऑपरेशन हो जाता है आपका, विद इन 24 आवर्स, 48 आवर्स, यानी कि 72 आवर्स, 3 दिन तक, एक जो चीज़ मैं रेकमेंड नहीं करूँगा वो है ड्राइविंग। जनरली ऐसा कोई करेगा नहीं, बट बिकॉज आप अंडर एनेस्थीसिया रहे हैं, काफ़ी दवाइयों का असर रहा है, वीकनेस भी रह सकती है, तो ड्राइविंग करना रिकमेंडेड नहीं है। कोई भी ऐसा हैवी वर्क करना रिकमेंडेड नहीं है जिसमें कि आपको चक्कर वगैरह आके गिर के इंजरी होने के चांसेस हों, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना वगैरह, अकेले रहना फॉर दैट मैटर इज़ नॉट अ गुड आइडिया। तो विद इन फर्स्ट 24, 48, 72 आवर्स अगर आपके साथ में कोई रहे तो वो काफ़ी अच्छा रहता है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप पूरे टाइम बेड के ऊपर लेटे रहें, बिकॉज अगर आप इमोबाइल रहेंगे, सडनली बेड पे लेटे हैं, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, आप चले भी नहीं हैं सिर्फ एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के तौर पे, तो आपको पैर में डीप वेन थ्रोम्बोसिस यानी कि DVT होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। ये स्पेशली उन लोगों में बढ़ जाते हैं जिनका कि वेट ज़्यादा है, जिनको ओबेसिटी है। तो आपको बेड पे लेटे लेटे ही एक्सरसाइज करना काफ़ी ज़रूरी है। आप अपने पंजों को हिला सकते हैं, आप अपने नीज़ को बेंड कर सकते हैं एंड आप धीरे धीरे अपने थाइज को लेके दोनों साइड रोटेट भी कर सकते हैं। ये चीज़ें जो है आप अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए। आई थिंक विद इन, आप जब तक हॉस्पिटल में हैं, विद इन 48 आवर्स आप एडमिट ही होंगे हॉस्पिटल में आफ्टर योर सर्जरी, तो आप धीरे धीरे एक्टिविटीज़ अपनी शुरू कर पाएंगे। अगर आपके हॉस्पिटल में फैसिलिटी है तो किसी फिजियोथेरेपिस्ट की मदद लेकर भी आप इन चीज़ों को सीख के समझ के शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल ये उठता है कि जब आप घर पहुंच गए हो तो अब आपको कौन सी चीज़ें करना अलाउड है, कौन सी चीज़ करना अलाउड नहीं है। तो जनरल वॉकिंग वाली चीज़ें करना अलाउड है, इसमें कोई ऐसे टाइम लिमिट नहीं है कि 3 दिन के बाद करें, 6 दिन के बाद करें, 10 दिन के बाद करें। जब आपको कंफर्टेबल लग रहा है, जब आपको लग रहा है कि आप चल फिर सकते हो, आपकी वीकनेस चली गई है, तब आप अपनी वॉकिंग वाली एक्टिविटीज
शुरू कर सकते हो। कोई एक चीज़ जो अलाउड नहीं है वो है वज़न उठाना। जनरली 5 kg कहा जाता है कि एक वज़न की लिमिट है जिसके अंदर की आप चीज़ें को उठा भी लो तो भी कोई उतनी तकलीफ नहीं होगी, बट ज़्यादा वेट उठाना जो है वो रिकमेंडेड नहीं है, बिकॉज आपके पेल्विक फ्लोर की एक सर्जरी हुई है, वहाँ पे काफ़ी सारे मसल्स, काफ़ी सारे लिगामेंट्स होते हैं जो कि एकदम फ्रेश वूंड है, वहाँ पे उतनी उनकी स्ट्रेंथ अभी तक बनी नहीं है, तो वो वेट उठाते समय हो सकता है कि बाद में कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर दे। तो जब आप घर पहुँच गए हैं विद इन फर्स्ट 4 to 6 weeks में कहूँगा कि कोई भी वेट उठाना सडनली रिकमेंडेड नहीं होगा। उसी के साथ जब आप कंफर्टेबल हैं तो आप कीगल्स एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। कीगल्स एक्सरसाइज यानी कि पेल्विक फ्लोर मसल्स की एक्सरसाइज होती है, इससे रिलेटेड मैंने भी वीडियो बनाया है, आपको चैनल पे मिल जाएगा, इंटरनेट पे काफ़ी इंफॉर्मेशन है, बट पॉइंट इज कि आप सही तरीके से कीगल्स एक्सरसाइज करना सीखें। अगर आप सही तरीके से कीगल्स एक्सरसाइज करेंगे तो बाहर से कुछ दिखाई नहीं देगा। ये मैंने अपने वीडियो में भी समझाने की कोशिश की, बट बहुत सारे लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कीगल्स एक्सरसाइज के साथ में प्रॉब्लम ये है कि उसमें जो एक्सरसाइज करके दिखाई जाती है उसमें पेल्विक फ्लोर मसल्स की यूज नहीं होती है, वो आपके बटक्स यानी कि ग्लूटियल रीजन की एक्सरसाइजेस आपको दिखाते हैं, हिप्स की एक्सरसाइज आपको दिखाते हैं, बट जो दिखाना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं वो, बिकॉज ये मसल्स की एक्सरसाइज जो आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स की एक्सरसाइज है ये दिखती नहीं है बाहर से। तो द पॉइंट इज कि आप सही तरीके से कीगल्स एक्सरसाइज करना सीखें, शुरू करें, एंड धीरे धीरे आपको ये आदत पड़ जानी चाहिए। आजीवन अगर आप कीगल्स एक्सरसाइज करेंगे तो भी आपको कोई नुकसान नहीं है, उल्टा फायदा ही है। एक तरीका कीगल्स एक्सरसाइज की आदत डालने का ये हो सकता है कि आप उसको किसी और आदत के साथ में क्लब कर दीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आप ब्रश कर रहे हैं या आप अपनी मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ जो कि आप रेगुलरली कर रहे हैं, तो आप अपने आप को आदत डला सकते हैं कि आप वो करते करते कीगल एक्सरसाइज कर लीजिए जिससे कि आप उसको भूले नहीं। जहाँ तक बात आती है रेगुलर एक्टिविटीज़ की, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फिजिकल कॉन्टैक्ट कब करना है, सेक्शुअल इंटरकोर्स कब करना है, तो द रिकमेंडेशन इज कि अराउंड 8 to 12 weeks तक आप वेट कर सकते हैं पूरी हीलिंग अच्छे से होने के लिए, उसी के बाद आप शुरू कीजिए। एंड अगेन चीज़ें डिफर करती है, ये जनरल एडवाइस है, हर पेशेंट के लिए स्पेसिफिक एडवाइस नहीं है, बट आपके कंफर्ट लेवल पर भी काफ़ी डिपेंड करता है कि आपको पेन है नहीं है वगैरह वगैरह, बट जस्ट जनरल रिकमेंडेशन इज 8 to 12 weeks के बाद में आपको ऐसा लगना चाहिए जैसे कि अब आप पेशेंट नहीं हैं, अब आपने सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग फिजिकल कॉन्टैक्ट आप रिज्यूम कर सकते हैं। एक सवाल ये भी उठता है कि कब नहाया जाए, कब नहीं नहाया जाए, स्टिचेस हैं उनको पानी लग जाएगा तो वो ख़राब हो जाएंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, कब स्टिचेस निकलेंगे, तो उसका आंसर ऐसा है कि अगर आपको स्टिचेस लगे भी हैं, जो कि आजकल बहुत कम लगते हैं, बट अगर ऐसे स्टिचेस हैं जो कि निकलवाने पड़ते हैं, अगर आपने अगले दिन जाके घर पर नहा भी लिया तो भी पानी छूलते ही उनमें कुछ ऐसे पस या कुछ ऐसे जम नहीं बन जाएगा। द आइडिया इज़ कि अगर आपने ड्रेसिंग निकाल भी ली, आपने पूरा नहा भी लिया, स्टिचेस गीले भी हो गए, तो भी आप उनको एक साफ सुथरे कपड़े से ड्राई करके उनके ऊपर ड्रेसिंग फिर से लगा सकते हैं। जनरली अगर आपके पास ड्रेसिंग अवेलेबल नहीं है तो टेगा डर्म करके ड्रेसिंग होती है जो कि आप मार्केट से ले सकते हैं, अगर वो आपको महंगी लगती है तो सादा बैंडेड भी आप यूज कर सकते हैं और आप अपने वूंड के ऊपर जो घाव है उसके ऊपर वो लगा सकते हैं। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में बहुत छोटे छोटे घाव आते हैं तो वो बैंडेड से कवर हो जाते हैं। उसी के साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे आपको नज़र रखनी चाहिए जिससे कि आप डॉक्टर को सही समय पे कांटेक्ट कर पाए। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, अगर आपके स्टिचेस के आसपास रेडनेस हो रही है, खुजली हो रही है, सीवियर खुजली हो रही है, रेडनेस हो रही है, पेन हो रहा है, वहाँ से कोई डिस्चार्ज आ रहा है, कुछ पस जैसा कुछ आ रहा है, कुछ पानी जैसा डिस्चार्ज आ रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर को एक बार इन्फॉर्म करना चाहिए। फीवर अगर आपको आने लगा है, ऑपरेशन हो गए हैं, 4-5 दिन हो गए, हफ्ता हो गया, फीवर आ रहा है, अगेन डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। जहाँ तक पर वजाइनल ब्लीडिंग की बात आती है, आने वाले 1 से 2 हफ्तों तक थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होना एक्सपेक्टेड है बिकॉज हीलिंग प्रोसेस हो रहा है, हालांकि हैवी ब्लीडिंग एक्सपेक्टेड नहीं है, कोई भी ख़राब स्मेल वाला डिस्चार्ज एक्सपेक्टेड नहीं है। तो ऐसे अगर कोई चीज़ फील हो रही है तो आपको अलर्ट होकर अपने डॉक्टर के साथ कॉन्टैक्ट में रहना चाहिए। जहाँ तक पेन की बात आती है, अगर आपके पैरों में अचानक से पेन होने लगे, स्पेशली आपके काफ के रीजन में काफ़ी टेंडरनेस आ गई, टेंडरनेस यानी कि आप उसको दबाएंगे तो बहुत ज़ोर से पेन होता है, ये DVT के सिम्टम्स होते हैं एंड ये मेजर सर्जरी के बाद हो सकते हैं, तो इन पे नज़र रखना ज़रूरी होता है। तो ये सारे कुछ सिम्टम्स हैं जिनको कि देख के आप अलर्ट हो जाइए एंड अपने डॉक्टर को कॉन्टैक्ट कर लीजिए।
जनरली सूचर्स या स्टिचेस जो हैं वो लगभग 7 से 10 दिन के बाद निकाले जाते हैं अगर एकदम अच्छे से उनकी हीलिंग हुई हो। एंड जो स्कार रह जाता है वो बहुत ही छोटा सा रह जाता है, कई बार तो ढूंढने पे ही दिखाई देता है वरना दिखाई भी नहीं देता है। वजाइनल हिस्टेरेक्टोमी करते हुए या लैप्रोस्कोपिक वजाइनल हिस्टेरेक्टोमी करते हुए अंदर वजाइना के अंदर सर्विक्स के पास कुछ स्टिचेस लिए जाते हैं एंड हो सकता है आपकी हीलिंग के दौरान कोई स्टिच जो है वो आपको बाहर आता हुआ दिखाई दे, तो ऐसे में आपको अलर्ट रहना है बट पैनिक नहीं होना है। ऐसा कुछ है तो आप अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दीजिए, बट जनरली ऐसा होना एक्सपेक्टेड है एंड इसमें कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। वजाइनल ड्राइनेस होना काफ़ी कॉमन है हिस्टेरेक्टोमी के बाद में, काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं स्पेशली अगर आपकी टोटल हिस्टेरेक्टोमी हुई है जिसमें कि ओवरीज भी निकाली जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में आप अलग अलग किस्म के लुब्रिकेंट्स यूज़ कर सकते हैं। बात याद रखनी कि वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट्स ही प्रेफर करना है, वैसलीन कोकोनट ऑयल वगैरह ऐसे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करने हैं। सबसे सही व्यक्ति जो आपको गाइड कर पाएगा वो है आपके गायनेकोलॉजिस्ट या आपके जनरल सर्जन जिन्होंने भी आपका ऑपरेशन किया है। बहुत सारी क्रीम्स आती है जिनमें अलग अलग हार्मोन्स होते हैं स्पेशली ईस्ट्रोजन क्रीम्स आती हैं जिनसे कि वजाइनल ड्राइनेस को कम किया जा सकता है, बट अगेन अपने मन से एक्सपेरिमेंट करने की जगह आप कोई एक्सपीरियंस कोई क्वालिफाइड व्यक्ति से पूछेंगे, किसी डॉक्टर से पूछेंगे तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से गाइड कर पाएंगे। कभी कभी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद में लोगों को लेफ्ट साइड के शोल्डर में पेन होता है एंड दैट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड बिकॉज लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में जो गैस यूज करी जाती है उसके कारण कभी कभी अंदर डायफ्राम नाम की एक मसल होती है वो इरिटेट होती है एंड वो अपने आप ही हील हो जाता है, उसमें कोई एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये एक चीज़ एक्सपेक्टेड है, अगर आपको हो रही है तो आप थोड़ा समय दीजिए एंड वो धीरे धीरे अपने आप ही ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ऑपरेशन के बाद में क्या खाया जाए, क्या आपकी डाइट होनी चाहिए। अगेन लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टोमी कोई वैसा ही ऑपरेशन है जैसे बाकी ऑपरेशन होते हैं, इसमें कोई ऐसी स्पेसिफिक कोई ऐसे डाइट रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं है। आप कमेंट में मत पूछिएगा कि मैं गार्लिक खा सकता हूँ या मैं सेव खा सकता हूँ या मैं अनार खा सकता हूँ, बिकॉज इन चीज़ों से कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है। जो चीज़ें फ़र्क पड़ता है वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन से रिलेटेड मैंने काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं। बेसिकली हम चाहते हैं कि आपके बॉडी में मेजर सर्जरी हुई है, बड़ा घाव बना है, तो उसको भरने के लिए जितना हम न्यूट्रिएंट्स दे पाए उतना अच्छा है। जितने विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, हर चीज़ की आपके शरीर को ज़रूरत है एंड उसको पूरा करना आपका आपकी रिकवरी के लिए काफ़ी अच्छा है। अगेन वेज नॉन वेज से भी कोई बहुत मेजर फ़र्क नहीं पड़ता है, बट बिकॉज आपको दवाइयाँ चल रही हैं तो तेल मसाले से हो सकता है आपको एसिडिटी हो, तो उस चीज़ को आप थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। अदर देन दैट आप चावल खा लोगे तो आपके टांके ख़राब हो जाएंगे और ऐसा कुछ हो जाएगा, ये सब कोई है साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ नहीं है। जहाँ तक फिज़िकल एक्सरसाइज की बात आती है, यानी कि आप अगर जिम जाते थे या आपका कोई ग्रुप था, आप वॉकिंग वगैरह करते थे, आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं, ट्रैवलिंग के शौकीन हैं या काम की वजह से आपको ट्रैवल करना पड़ता है, तो स्टार्टिंग के 4 to 6 weeks आप अवॉइड करते हैं कर सकते हैं, स्पेशली लॉन्ग ट्रैवल जिसमें कि आपको एक ही जगह पर बहुत देर बैठना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लंबी फ्लाइट हो गई, कोई लंबी ट्रेन जर्नी है जहाँ पर आप हिल नहीं पा रहे हो, तो ऐसे में ऑपरेशन के कुछ समय बाद तक प्रॉब्लम ये रहती है कि डीवीटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हालांकि अगर आप कोई अनअवॉइडेबल ट्रैवल कर रहे हैं तो आप बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेके, अगर ट्रेन में चल लिए, कार है, रोक के थोड़ा एक 5 मिनट वॉकिंग कर लिए, फ्लाइट है तो उठ के वहीं पे चल लिए, तो आप इस प्रॉब्लम्स को भी अवॉइड कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ट्रैवल करने से कुछ हो जाएगा आपको या आपका ऑपरेशन ख़राब हो जाएगा, बट एक प्रिकॉशन एज अ प्रिकॉशन अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो आने वाले समय तक अवॉइड कीजिए तो आपकी रिकवरी के लिए वो अच्छा होगा। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि ऑपरेशन करते ही लोग कहीं और ट्रैवल करके चले जाते हैं और फिर वहाँ पर उनको सेम मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पाती है या सेम तरीके क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं मिल पाते हैं एंड फिर चीज़ें कोऑर्डिनेट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों को भी आप ध्यान में रखिए जब आपकी सर्जरी हो चुकी है। तो ये थी एक लिस्ट ऑफ कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, कॉमन कन्फ्यूजन जो मैंने देखे हैं पेशेंट्स के मन में होते हैं। आई एम श्योर और भी क्वेश्चंस होंगे जो मैं इसमें नहीं आंसर कर पाया हूँ, आप वो कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं एंड मैं ट्राई करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मदद करने का। तो आई होप एज पेशेंट एज अ पर्सन आपकी इससे मदद हुई हो, या आप किसी को जानते हैं जिसकी इससे मदद हो सकती है तो उनको भी ये वीडियो दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं काफ़ी सारी ज्ञान की, मेडिकल ज्ञान की बातें इस पर करता हूँ एंड दूसरों के साथ शेयर कीजिए एंड वेरी सून आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।